टेस्टोस्टेरॉन। अगर आप भी सक्सेस नहीं हुए हैं और जिम में घंटों मेहनत करने के बाद भी आपकी बॉडी नहीं बन पा रही है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आप में टेस्टोस्टेरॉन की कमी है। जी हाँ दोस्तों, बड़े ही दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि आज हमारे ज्यादातर मेल काफी कमजोर हो गए हैं और उनकी खुशियों पर सूर्य ग्रहण लगता जा रहा है। अगर आप इसके पीछे का भी जिम्मेदार टेस्टोस्टेरॉन को मानते हैं तो सही पकड़े हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया में आए दिन ऐसी सही या गलत बातें आप जरूर देखते या सुन रहे होंगे, लेकिन क्या ये बातें उतना ही सच है जितना आपको लगता है? हालांकि आप टेस्टोस्टेरॉन की बायोलॉजी के बारे में तो जानते होंगे कि ये एक मेल का मेन सेक्सुअल हार्मोन है, जो कि स्पर्म प्रोडक्शन, बोन डेंसिटी एंड मसल्स, आरबीसी प्रोडक्शन और यहाँ तक कि हमारे मूड को प्रभावित करने में भी एक अहम रोल अदा करता है। इसकी कमी जहाँ हमें डिप्रेशन की ओर धकेलती है, तो इसकी अधिकता हमारे अंदर एग्रेशन और फ्रस्ट्रेशन को बढ़ावा देते हैं। इसलिए सीधी बात नो बकवास ये है कि टेस्टोस्टेरॉन एक बैलेंस मात्रा में ही हमारे अंदर प्रोड्यूस होना चाहिए। अब दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए अपनी कुर्सी की पेटी आप ना बांध लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको टेस्टोस्टेरॉन की असली और बहुत दिलचस्प साइकोलॉजी के बारे में बताऊंगा। इसको जानकर आप बहुत ज्यादा तो हैरान होंगे ही, लेकिन साथ में ये आपको सोचने पर भी काफी मजबूर कर देंगे। सो फीलर्स, बी रेडी टू फील द फैक्ट। नंबर वन, लग्जरी ब्रांड्स। दोस्तों, आप में टेस्टोस्टेरॉन ज्यादा है या कम, इसका अंदाजा तो इस सवाल से लग जाएगा। इसलिए सोच समझकर बताइएगा कि इन दोनों में से कौन सी कार खरीदने का मन आपको ज्यादा कर रहा है, कार ए या कार बी। चलिए जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। दोस्तों, इस पिक्चर में पहली कार ज्यादा लग्जूरियस है और दूसरी कार ज्यादा कम्फर्टेबल, इसलिए अगर आपने एक कार को चूज किया है तो संभावना है कि आप में टेस्टोस्टेरॉन की मात्रा ज्यादा हो, और बिल्कुल इसका उल्टा बी वालों के साथ है। अब आप मुझ पे डाउट ना करें, इसलिए मैं बता दूं कि इस मुद्दे पर कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक स्टडी हुई। इसमें 18 से 55 साल के तकरीबन 243 मेल्स को प्यार से पहले तो बिठाया गया और कुछ लोगों को टेस्टोस्टेरॉन के इंजेक्शन लगा दिए गए और बाकी के लोगों में टेस्टोस्टेरॉन के नाम पर पानी चढ़ा दिया गया। और फिर हुआ क्या, उनसे यही सवाल पूछा गया जो मैंने आपसे पूछा था। इस स्टडी में ये खुलासा हुआ कि जिन लोगों में असली टेस्टोस्टेरॉन डाला गया था, वह लग्जरी ब्रांड्स को जरूरत से ज्यादा महत्व देने लग गए, फिर चाहे वह ब्रांड उनकी जिंदगी की वाट ही क्यों ना लगा दे। दरअसल टेस्टोस्टेरॉन ज्यादा होने से लड़कों में एटीट्यूड और एग्रेशन काफी बढ़ जाता है। यह अपने आराम और जरूरत से ज्यादा महत्व लोगों के अटेंशन को देने लगते हैं। वैसे ये बिल्कुल एक पिकॉक की तरह है, जो अपने अपोजिट पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए इतने लंबे और खूबसूरत पंखों का बोझ उठाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अगर ये पंख मोर के पास ना हो तो वह बहुत ही आसानी से चल सकता है और ज्यादा उम्र तक जिंदगी जी सकता है। बट क्या करे बेचारा, उसे मोरनियों को अट्रैक्ट भी तो करना है ना। नंबर टू, इज लो टेस्टोस्टेरॉन गुड। दोस्तों, हमारे सोशल मीडिया के समाज में ऐसा माना जाता है कि जिसके अंदर जितना ज्यादा टेस्टोस्टेरॉन होगा वह मेल उतना ही ज्यादा मैस्कुलिन हो जाएगा और बाकी के लोग, खासकर फीमेल्स, उन्हें उतना ही ज्यादा पसंद करने लग जाएंगी। ये कितना सच है ये तो इस पर रिसर्च होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन 2015 में पब्लिश एक रिसर्च का ये मानना है कि जिन पुरुषों में टेस्टोस्टेरॉन की मात्रा कम होती है वह अपने पार्टनर और बाकी लोगों से इमोशनली कनेक्ट होने में बेहतर होते हैं, या कह लें ऐसे मेल्स दूसरों को ज्यादा इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं। इनफैक्ट कुछ स्टडी का यह भी मानना है कि बच्चे के जन्म के बाद एक फादर का टेस्टोस्टेरॉन कम होने लगता है, ताकि वह अपनी वाइफ और बच्चे से एक डीप इमोशनल कनेक्शन बना सके। वैसे दोस्तों, हेल्थ लाइन कहता है कि टेस्टोस्टेरॉन ना कम होना चाहिए और ना ही ज्यादा। इनफैक्ट डिप्रेशन, वीक मसल्स एंड बोन और सही से बियर्ड या हेयर ग्रोथ ना होने जैसी दिक्कतें आज बहुत तेजी से बढ़ रही है टेस्टोस्टेरॉन की कमी होने के कारण। इसलिए अगर आप अपने टेस्टोस्टेरॉन लेवल को बढ़ाना चाहते हैं और आपकी एज 24 प्लस है, तो मैन स्योर के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए, वो अभी बिना किसी शर्म और झिझक के। दोस्तों, वैसे तो मार्केट में कई नुकसानदेह प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे, बट मैन स्योर टेस्टोस्टेरॉन बूस्टर में ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट है जो आपके टेस्टोस्टेरॉन लेवल को बढ़ाने में सहायक हैं। ये आपके सेक्सुअल ड्राइव को बढ़ाते हैं और इसके अलावा ये आपके बोन डेंसिटी, इम्यूनिटी, मसल्स और हेयर ग्रोथ को भी बेहतर करता है। इसमें मौजूद गोखरू बदा आपके स्टेमिना, टेस्टोस्टेरॉन को बूस्ट करने के साथ साथ यूरिनरी इन्फेक्शन को भी ठीक करने में हेल्प करता है। इसके साथ मसल्स ग्रोथ के लिए सफेद मुसली, इम्यूनिटी बढ़ाने और स्ट्रेस से बचने के लिए अश्वगंधा जैसे फेमस आयुर्वेदिक तत्व भी इसमें मौजूद है। इसमें जीवंती, कौच बीज, उतानन बीज जैसे कई नेचुरल
इंग्रेडिएंट्स आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करने के लिए मौजूद हैं। दोस्तों आप सुबह शाम खाने के बाद मेंस्योर की एक एक टेबलेट अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। ये मेंस्योर की वेबसाइट अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हाँ, अगर आपके मन में कोई भी किसी भी प्रकार का शंका है तो नीचे दिए गए फॉर्म को फिल करके मेंस्योर से फ्री डॉक्टर कंसल्टेशन भी आप ले सकते हैं। तो चलिए लौटते हैं वीडियो में वापस। नंबर 3, इंपेशेंस एट प्यूबर्टी। दोस्तों अगर आपको ये दो विकल्प दिए जाएं, जिसमें पहला है अभी के अभी 10,000 रुपए उठा लेना और दूसरा है 1 साल बाद 50,000 रुपए लेना, तो बताइए ऐसे मौके पर आप कौन सा विकल्प चूज करेंगे? जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए अपना जवाब। वैसे आप में से ज्यादातर लोग मेरे हिसाब से तो 50,000 वाला ऑप्शन चुनेंगे, क्योंकि ये 5 गुना ज्यादा जो है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि प्यूबर्टी के वक्त या कह लें 10 से 14 की उम्र के दौरान टेस्टोस्टेरोन का इतना बोलबाला होता है कि हमें जो मजा जल्दी मिलता है हम उसी को चुन लेते हैं। और प्यूबर्टी में ही क्यों, टेस्टोस्टेरोन तो आज भी आपको इंपल्सिव डिसीजन लेने के लिए पुश करता है, जैसे कि अचानक इस वीडियो की लाइक बटन को क्लिक कर देना। लेकिन 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 दोस्तों अब में और प्यूबर्टी के वक्त में कई फर्क है। प्यूबर्टी के वक्त हमारे अंदर हार्मोनल चेंज तो जल्दी से मैच्योर हो जाता है, लेकिन ब्रेन कंट्रोल वाला रीजन मैच्योर होने में थोड़ा टाइम ले लेता है। बट अब हमारी कंट्रोलिंग पावर तो हमारे पास है, लेकिन फिर भी टेस्टोस्टेरोन हमें भड़काने की ताकत अपने पास अभी भी रखे हुए है, इसलिए संभल के। नंबर 4, टेस्टोस्टेरोन इन्फ्लुएंस सक्सेस। दोस्तों अगर एक तरफ महान फुटबॉलर रोनाल्डो और दूसरी तरफ कोई और गुमनाम फुटबॉलर हो और आपसे पूछा जाए कि इसमें किसके पास ज्यादा टेस्टोस्टेरोन होगा, तो आप क्या जवाब देंगे? रोनाल्डो वालों की शायद भीड़ काफी ज्यादा हो, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ और सक्सेस को देखकर कुछ यही लगता है। और वैसे भी कुछ नामचीन स्टडीज का भी यही कहना है कि जिन लोगों में ये हार्मोन ज्यादा होता है उनका सोशल स्टेटस भी दूसरों से ज्यादा होता है, इनमें रिस्क टेकिंग बिहेवियर भी आसानी से देखे जा सकते हैं। लेकिन लेकिन महिलाओं में दोस्तों इसका उल्टा होता है। वैसे फीमेल्स में तो टेस्टोस्टेरोन हम लोगों से भी बहुत कम होता है, बट अगर किसी महिला में बाकी महिलाओं के मुकाबले ज्यादा टेस्टोस्टेरोन है तो उसका सोशल स्टेटस और फाइनेंशियल स्टेटस कम होने की संभावना काफी ज्यादा है। कुछ स्टडीज की माने तो अक्सर ज्यादा टेस्टोस्टेरोन वाले मेल्स का फाइनेंशियल कंडीशन एवरेज से कहीं ज्यादा होता है और ये दूसरों से ज्यादा सुविधाओं का लुफ्त उठा रहे होते हैं। हालांकि यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टॉल के रिसर्च ने कम उड़ने के लिए कहा है, क्योंकि उन्हें इसके पीछे कोई पुख्ता सबूत अभी तक नहीं मिल पाया है। नंबर 5, रिड्यूस सेल्फ रिफ्लेक्शन। दोस्तों बहुत से मेल्स ऐसे होते हैं जो पहले बिना सोचे समझे सामने वाले को झापड़ मार देंगे और कुछ देर बाद सॉरी बोलेंगे। दरअसल कैलिफोर्निया में हुई एक स्टडी में ये खुलासा हुआ है कि जिन लोगों में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है वह कुछ करने से पहले ज्यादा सोचते नहीं है, या कह लें ये काफी मूडी होते हैं। इस स्टडी में 243 मेल्स को एक इंजेक्शन दी गई, जिसमें कुछ लोगों के लिए टेस्टोस्टेरोन था और कुछ लोगों के लिए कुछ और था। फिर इसके बाद उनसे मैथ्स के कुछ क्वेश्चन पूछे गए और रिजल्ट के तौर पर ये सामने आया कि टेस्टोस्टेरोन बूस्टर लेने वाले मेल्स अपने आंसर बोलने से पहले ज्यादा नहीं सोचते, वह अपने इंट्यूशन पर पूरा भरोसा करते हैं और जो होगा देखा जाएगा की पॉलिसी पर अक्सर काम करते रहते हैं। इससे एक नुकसान ये है दोस्तों कि इन लड़कों के जवाब बाकी लोगों से ज्यादा गलत थे। रिसर्चर्स का मानना था कि टेस्टोस्टेरोन इनके कॉन्फिडेंस को कुछ ज्यादा ही बूस्ट कर देता है, और वैसे भी दोस्तों जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं तो फिर हम अपने आप की नहीं सुनते तो दूसरों की क्या ही सुनेंगे। इसलिए दोस्तों टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के ख्याल आए तो एक बार सोच लीजिएगा कि आपको इसकी जरूरत है या नहीं। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में कौन सी बात सबसे ज्यादा वैल्यूएबल लगी, और अगर वैल्यूएबल लगी है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना कतई मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।